आज मैं आप लोगों को स्वस्थ शरीर कैसे रहा जाता है, रखा जाता है, उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सबसे बेस्ट तरीका है तीन प्रकार की एक्सरसाइजें करना, धड़, बाजू, टांग। धड़ मतलब अपडोमिनल, लेग्स एंड बाजू। अगर आप तीन एक्सरसाइजें भी करते हैं, हल्की हल्की करते हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को, तो बीमारी नहीं होगी। मेरा अपना सोच है, मेरा खुद का, मैं 70 साल का हो गया, मेरा शुरू से ही सोच है कि बीमार आदमी हो ही नहीं सकता है। और मैं, मेरा अपना खुद का तजुर्बा है, अगर हम अपने कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां ठीक तरह से बरते हैं, अपने खान पीन, रहन सहन, अपनी एक्सरसाइज, तो मैं समझता हूँ कि बीमार हो ही नहीं सकता है। छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनका अपना घरेलू इलाज कर देना चाहिए, एक लगन होना चाहिए शुरू से। और इन आज किया कल छोड़ दिया परसों किया, हमेशा उसको करते जाओ। अपने खाने का एक तरतीब बना लो, मेरे को ये चीज सूट करती है जिससे मेरे को खराब नहीं होता है। अब खराबी कहां से होती है, स्वच्छ जल पियो, पेट की बीमारियां सबसे ज्यादा पानी से होती है। अगर आप स्वच्छ पानी पिएंगे बहुत कम रह जाएगी। फिर खाने का अपना सिक्वेंस देखो कि अपनी अंदर की इंटरनल ताकत कितनी है, कि हम कितना उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतनी ही चीजें खाओ जो आपको शूट करती हैं। दो चीजें आ गई, एक खाना, एक पानी, स्वास्थ्य। तीसरा हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, फिजिकली फिटनेस रहने के तरीके, मैं आपको बताता हूं। अपना बेड जो है हार्ड बेड रखो, उसके ऊपर, बेड के ऊपर ही ज्यादा 10 मिनट कार्रवाई करनी है डेली। 10 मिनट करेंगे आपका, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लेट करके एक्सरसाइज। हाथ को, दोनों हाथ खुले रखो ऐसे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, पंजों को मिलाओ, दोनों पंजों को, सांस रोको। कितनी देर आप रोक सकते हैं, स्पोर्ट नहीं देना, इसको खींचना है, मिला करके पंजों को ऐसे खींचना है। अपडोमिनल में है, अपडोमिनल एक्सरसाइज है, पूरे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सारा सब का इसमें सहयोग होता है। एक, दो, ज्यादा नहीं तो 10 बार करो, रोको सांस को और पंजे को खींचो नीचे आ जाओ। एक, दो, नंबर दो में धीरे 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 टांग को आस्ते आस्ते ऊपर उठाया, ये खींच करके, पंजा खींच के रख लो और धीरे धीरे नीचे लाना है, धीरे धीरे ऊपर लाना है। जितना कोशिश करते जाएंगे अपने आप आपका 90 डिग्री में टांगे जाएगी, एकदम जबरदस्ती कोई काम नहीं कर रहा है। नंबर तीन के लिए टांग को क्लोज करना है, नीचे ले जाना है, टांग को नीचे क्लोज करना है, नीचे ले जाना है, इस प्रकार से दूसरी टांग को ये हलाना है, नीचे ले जाना है, इसको यहाँ हलाना है, नीचे ले जाना है। अभी नाक से लंबा सांस खींचना है और रोकना है, धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, नाक से खींचना है और मुंह से धीरे धीरे छोड़ना है, जितनी देर रोक सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बाजू की एक्सरसाइज बताता हूं, यही से लेट करके बिल्कुल इजी लेट रहा है। एक, दो, एक पूरा खींच रहा पंज, ऐसे ब्लॉक करके पंज, चारों उंगलियां मिली हुई, अंगूठा उसके साथ मिला हुआ, सीधा खींच रहा है, ये 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 यही लेटे लेटे यही से यस पूरा खींच रहा है और लाना है, पूरा खींच रहा है लाना है, पंजा नीचे में ला के रख रहा है, ये 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 ये
अब यही से आपको बताता हूँ मैं उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल इजी पड़ जाओ ऐसे करके, एक दो, एक दो, यही से नीचे से लेटे लेटे जो है गर्दन को थोड़ा सा ऐसे पकड़ो ऐसे, ये एक दो, एक दो, ज़्यादा नहीं, दो तीन तीन बार करना है इस तरह। अब यहीं से पेट की एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, यहीं से इसको थोड़ा सा साइड को जाओ ऐसे, ये ऐसे करके, इसके ऊपर जो रात को सोते हैं हम लोग, यही सिर टकाते हैं अपना, इसके ऊपर इसी प्रकार से टांगों को, एक दो, एक दो, एक दो, दस बार करो ऐसे, फिर दूसरी साइड को जो है इस साइड को उसी तरह से ऐसे सो जाओ इसके ऊपर, ये जैसे सोते हैं या मसल के ऊपर, बस वहीं से भी इसी, वहीं से भी इसी तरह से ये ये ये, फिर दोबारा ऐसे आए दोबारा आ करके फिर रोको सांस को, ऐसे गर्दन को उठाओ कम से कम 6 इंच यहाँ से गर्दन उठी होना चाहिए, हाथ जो है टिके होना चाहिए, पंजे मिला हुआ होना चाहिए, टांग सी रोकना है, सांस को रोकना है, दोनों टांग क्लोज करनी है छोड़ना है, दोनों क्लोज करनी है छोड़ना है क्लोज करनी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्टैंडिंग अगर मिल जाता है तो सिंपल एक्सरसाइज करनी है, वही ऊपर ताली नीचे डाउन, ऊपर ताली नीचे डाउन 10 बार, बस ऊपर ताली नीचे डाउन हो गया, दर्द बाजू टांग। अगर डेली करते हैं कभी कोई बीमार हो गया, मैंने बताया ना सिर्फ तीन ही चीजें होती हैं, जड़ बाजू टांग, बेड के ऊपर कर सकते हैं, हार्ड बेड के ऊपर, खाने के लिए आप कुछ भी खाओ, किसी चीज में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो आपको सूट करती है जो अच्छा लगता है उसको खाओ। एंटीबायोटिक्स का ध्यान रखना, दवाई का क्या, एंटीबायोटिक्स कब लेना है, पहले तो मेरे अपने विचार से एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, एंटीबायोटिक दवाई खाने की, बहुत इसके सिस्टम साइंस सिस्टम होते हैं, उससे बचो, सवेरे उठ करके कम से कम 5 किलोमीटर जाओ और 5 किलोमीटर आओ, पहले बाग करते जाओ तेज, फिर हल्का हल्का जैकिंग के साथ जाते जाओ, जैसे जैसे सूरज जाते देता है पसीना आ जाना चाहिए, बस बीमार होने का मतलब ही नहीं, अब सोए ही रहेंगे मेरे जैसे 3 दिन तक उठेगा ही नहीं कोई भी, दुकान में बैठ गया तो बस ये देख रहा कि मेरा ग्राहक कब आता है, फिर बाहर टॉयलेट के लिए भी नहीं जाना है, कोई आ जाएगा लेने के लिए सामान लेने के लिए, तो बीमारी ये होनी है, शास्त्र में अपने स्वस्थ शरीर को बचाना है तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, फिजिकली होना बहुत जरूरी है, ज़्यादा नहीं है, कैरिंग है, खेत है, थोड़ा सा 15-20 मिनट गिनती लेकर के खुदाई करो, फिर गड्ढा खोदो, फिर उसको बंद कर दो, कल थोड़ा सा आगे खोदो फिर बंद कर दो 4 फीट का गड्ढा खोदो, आधे घंटे बाद उसको आधे घंटे में खोदो, आधे घंटे में बंद कर दो, यहाँ क्या है, यहाँ इतनी जमीन खोद ले, यही जमीन है, इसे कोई खोदते रहो बंद करते रहो, एक पौधा जो लगाई दे करके, पौधा जो लगाएंगे तो अगर अब मैं वही बता रहा हूँ, सामने वाला जंगल है, मैंने खुद लगाया हुआ है, पूरा जंगल है पूरा, तो मैं उनको देखता हूँ सवेरे, जितने बड़े बड़े सफेदे के पेड़ दिखाई देते हैं मेरे लगाए हुए, अगर मैं अपने घर में 5 पौधे लगाए होते तो 5 मकान बन सकते थे आज 70 साल में या 60 साल में, तो तुसे होर तका लगाए घर लगाने थे, घर वाले बुजुर्ग बोलते हैं ये नहीं लगाने, ये पौधे नहीं लगाने, पानी सुखवा देते हैं, यहाँ से 8 पौधे देते थे हमारे पास जंगलात से, पैसे कितने मिलते थे? 2 रुपए, 2 रुपए देने,
वो भी हम तब छुट्टियां होती थी दो महीने की स्कूल में वो करके, हम तो वहां मकरे थे, यहाँ सामने छोड़ देते थे पार जा करके और हम ग्राउंड में चले जाते थे खेलने के लिए। तो आठ हट देते थे, चार ही रह जाते थे, चार हम लोगों को बांट देते यार अपने घर में लगाना, अपने घर में एक भी नहीं लगाया। अगर अभी अपने घर में लगाए होते पांच छह पौधे लगाए होते इस पेदे के, तो 70 साल में वो 70,000 रुपए का होता कम से कम। तो ये चीजें होती है। अब बच्चों से तो जब इनका बर्थडे होता है तो एक फलदार पौधा लगवाना चाहिए बच्चों से। हाँ, ये तो कराना चाहिए। हाँ जी, जब बच्चों का तुम हर साल बर्थडे मनाते हैं, खूब केक काटते हैं, प्रण करते हो करते हैं, एक एक पौधा लगाओ फलदार, 20 साल में 20 पौधे हो जाएंगे। जब वो 20 साल का होगा तो 20 साल में फल देना शुरू करेंगे, सारे 3 साल के बाद फल देना शुरू कर देते हैं, 20 किस्म के पौधे हो जाएंगे। अब मानसिकता ही नहीं है हमारी यहाँ। अगर मेरे जैसा कहीं बोलेगा कोई तो बोलेगा यार ये तो अल्लाह करता, पर हमारा अपना तजर्बा है। मैंने देहरादून में लीची के 2 पौधे लगाए हैं, अभी क्विंटल होती है उसमें, जबकि मैं उनको घर ला रहा था यहाँ, FIRI से दिया था मेरे को ना। अब कभी गंगोत्री जाओगे ना, उससे पीछे भैरव घाटी पड़ती है, 6 पौधे लगाए हुए मैंने वहां सेब के, और एक मंदिर बनाया हुआ पत्थर के ऊपर, बहुत अभी भी यादाश्त है मेरी, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ मेरा नाम उसे। तो कोई ऐसी ये अपनी छाप छोड़ना चाहिए बनाकर अच्छे काम की। बच्चों को वही है, अभी इनका बर्थडे मनाते हैं तो मतलब हर बर्थडे में एक फलदार पौधा लगवा, खूब पानी देंगे, वो सब कुछ देंगे, भाई अपने होता रहे, 20 साल में 20 पौधे हो जाएंगे। कोई फलदार लगाओ, कोई इमारती लकड़ी का लगाओ, देवदार का पौधा लगा दो, दूसरा और सागवान शाल का पौधा लगा दो, ये है स्पेदे का पौधा लगा दो। बाद में आपको जब मकान की जरूरत पड़ेगी, पोते पोते की और पोते उनके मकान बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी को किसी वहां जाने की जरूरत नहीं होगी, अपना एक पेड़ होगा, 70 साल में या 60 साल में पूरा लकड़ी उसी से हो जाए। तो ऐसी सोच होना चाहिए, दूरदर्शी सोच होना चाहिए। फिर वो भी अपना तजर्बा करने के बाद, ऐसे नहीं, पहले तजर्बा कर लो हर एक चीज का, जो काम करते हैं उसका तजर्बा ले लेना चाहिए खुद आपने। अभी मेरी उंगलियां देखो टूटी है ना सारी, तो वॉलीबॉल से देख लो सब टूटी हुई है। अब एक का मैंने डॉक्टर से कराया, इसलिए मैं डॉक्टरों से थोड़ा सा नाराज रहता हूँ। ये खड़ी है उंगली, इसमें प्लास्टर बांधा उन्होंने, ये खड़ी है, देखो ये बंद नहीं होती, ये सब टूटी हुई है। मैं खुद करता हूँ इनका ट्रीटमेंट, खेलते थे जब तो लगेगी तो है, जब बॉल मारेंगे जोर से देख रहे मेरे अंगूठे हैं, घुटनों में तो कितनी चोटें हैं मेरे को, देखो सारा देखो आप इधर देखो इधर सब चोटें हैं, सारी सब चोटें हैं, देखो गोलियों के निशान है, सब चोटें लगी हुई खेलते। अच्छा, मैं प्रा नहीं किया अभी तक, अभी भी दर्दे होते हैं इनको, सर्दी डाल देता हूँ शरीर गर्म हो जाता है। तो चीजें प्रैक्टिकल करो अपने ऊपर पहले। चलो ठीक है, थैंक यू, आपने थोड़ा सा बताया।